हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, आज मेरी नींद खुली थी 6:15 बजे के आसपास। कल तो मैं जल्दी टाइम से उठ गई थी, तो कल हम लोग वॉक करने गए थे बाहर, आपको पता ही है, फील्ड में। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो। पर आज काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गई थी, मुझे लग रहा है 7 बजे तक पता है धूप निकल आती, फिर फील्ड में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, बहुत गर्मी सी लगती है। वॉक करके ऐसे ही पसीने हो जाते हैं, तो ये तो चले गए अपना, इनको रनिंग करनी थी, दौड़ना भागना था, तो मैंने कहा आप वहाँ चले जाओ, मैं थोड़ी देर बालकनी में ही कर लूँगी। इसके अलावा मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, अपलोड करनी है, यही सारे काम थे, तो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ फटाफट। तो चलिए अब मैं थोड़ा वॉक करूँगी और साथ में वीडियो को एडिट करूँगी। यहाँ पे पीला वाला बर्रा आ गया था और मैं इसको उड़ाने लग गई थी। और वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है मुझे पहले से ही, बस ये था कि अच्छा लगता है, चलो बनाते हैं। अभी वैकेंसी नहीं आई है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंसान की जॉब ही होती है, यूट्यूब वगैरह तो सेकंड प्रायोरिटी होती है कि हाँ चलो ठीक है, जॉब नहीं है उस टाइम, घर पर आराम से बैठे हैं तो चलो वीडियो बनाते हैं। बाकी मैं इनशॉट ऐप से एडिट करती हूँ, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर काइन मास्टर से भी एडिट कर सकते हैं, तो आप लोग का जो मन है उससे एडिट कर लीजिएगा, वीडियो को अपलोड भी कर दीजिएगा। और पता है क्या होता है, वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा यही कहूँगी, आप लोग घर बैठ के वीडियो बना सकते हैं अगर, तो बनाया करिए, अच्छा ही है, क्या ही करा जा सकता है, जो डेली वर्क करते हैं वही दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिखावा नहीं करना है, क्योंकि जैसे हैं हम वैसे ही अगर अपने आप को शो करेंगे तो ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि अगर हम रोटी सब्जी खाते हैं तो पिज़्ज़ा नहीं बताना चाहिए कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा रही हूँ, और बस यही है यूट्यूब के लिए। बाकी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए होगी कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं या अपलोड कैसे करते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। और अभी सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ हर हाउसवाइफ की तरह किचन में, क्योंकि सबसे पहले तो घर के कामों को ही ख़त्म करना होता है। और आज यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेड जैम, और इन्होंने कहा मुझे भी खाना है, तो मैंने कहा चलिए आप भी खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा आज बहुत ही मन था सैंडविच वगैरह कुछ नहीं खाने का, बस ब्रेड जैम खाने का मन कर रहा था। और उसके बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई, दाल को फ्राई करने के लिए प्याज वगैरह कट कर रही थी। हम लेडीजों के पास भले ही काम ज़्यादा हो, पर उनमें से थोड़ा सा टाइम तो निकाल कर अपनी स्टडी को देना चाहिए, अगर आप लोग में सच में पढ़ने का मन करता हो तो। मैं ये नहीं कहती 7-8 घंटे स्टडी को दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं निकल पाता है, और जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक तो पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता है, ऐसा तो मेरे साथ होता है। बाकी जब वैकेंसी आती है तब की जो पढ़ाई होती है और इस टाइम की जो पढ़ाई, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या लगता है, वैकेंसी आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग जाने खाना खाने, और आज के लंच में दाल चावल सब्जी टमाटर की चटनी छाछ और रोटी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि बहुत ही आलस आ रहा था मुझे। शाम को बना लूँगी रोटी सब्जी, और बहुत तेज़ से भूख लगी है, 3 बज गई, और फिर आज ही लेट ही आए थे। अब कहते हैं कि साथ में जब मैं खाती हूँ। सो गाइस, अभी ऑफिस से आए और भुट्टा लाए थे तो वही खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, आज तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इतना ज़्यादा थकावट और आलस कह सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ मुझे भी नहीं पता, पेट में दर्द भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ रोने का मन कर रहा था, पता नहीं अकेलापन है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो ग्लूकोज पीने जा रही हूँ, ग्लूकोंडी। ऑफिस से आए जब तब जाके थोड़ा आवाज निकली है, वरना एकदम से हम ऐसे ही लेटे थे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज सारा दिन, काम घर का खत्म हुआ फिर आराम से लेट गए, और सोए भी नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा तो बताना मुझे। सोच रहे हैं अभी मम्मी को बुलाएं कि ना बुलाएं, आप लोग बताओ क्या करा जाए, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है अब अकेले। और 9th मंथ में मम्मी आएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में भी आराम से रुकेंगे 30-40 दिन, अभी से आ जाएंगे तो उनको 3-4 महीने रुकना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और मेरा दिन एक भी कट नहीं रहा हो तो शुक्र है, ब्लॉग है यूट्यूब है, तो मैं वीडियोज ऐसे ही डाला करती हूँ, वीडियो बनाने का भी अब मन नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया है मुझे भी नहीं पता, वो प्रेगनेंसी में तो ये सब होता रहता है, पता नहीं मूड स्विंग है कि क्या है, कुछ मूड ही नहीं है तो स्विंग कहाँ से होगा, ओवरथिंकिंग। क्यों इतना सोचना, जो होगा देखा जाएगा, रिलैक्स रहो, आराम से खाओ पियो, मस्त रहो, बीपी लो रहता है तो क्यों नहीं पियो ग्लूकोंडी। हाँ मेरा बीपी भी लो हो गया इस टाइम पे आज,
तुम्हें नींबू पीना चाहिए था, नींबू पानी नमक डाल के पी लेती। तो कप में ग्लूकोज पहले से ले आई थी, मैं बस पानी मिक्स करके पीना है। इसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा है ऐसे उल्टी जाएगी पियेंगे तो। कोई बात नहीं, उल्टी आ जाएगी तो आने दो। आने तो पूरा गला कट जाता है भाई। तो बीपी लो, मान लो अगर वीकनेस है तो उसके लिए कुछ तो खाने पे अभी है, वोमिटिंग के डर से कुछ खाओगी पियोगी नहीं। यही ये बहुत दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है तुम्हारे साथ। देखो ज्यादा काम करोगे, आराम नहीं करोगे तो यही दिक्कत होगी। तो इसलिए खाओ पियो, हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पहले खाना पीना हेल्थ देखो, काम तो होता रहेगा ठीक है, काम कहीं चलता नहीं है। ऊपर से सुपर डेड की टेंशन। और टेंशन क्या होता है, लग नहीं रहा कि वैकेंसी आएगी। तो आएगी तब देना एग्जाम, नहीं आएगी तो क्या करोगे तुम। तो चलो शादी हो गई, कम से कम मैं कमा रहा हूँ, और उन बच्चों से पूछो जो बेचारे किस तरह पढ़े हैं, जेलर कोर्स किए हैं, टेस्ट रिटर्न पास किए हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है तो उनके लिए कितना दिक्कत हो रहा होगा। तो उन लोगों से तुलना करो भाई, 2016 के बाद कब से वैकेंसी नहीं आई है, 17 फिर 6 साल हो गए बताओ। उन बच्चों का क्या हो रहा होगा, कहीं से बेचारे व्यवस्था करके पढ़ते हैं, तो हम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस चीज को। हाँ पर हम टेंशन ले नहीं रहे, लेकिन टेंशन हो जा रही है। क्यों हो जा रही है तुम्हें, देखो तुम्हारे पास तो एक गोल है कि बच्चा होगा, होने वाला है, तो उसके बारे में सोचो, टेंशन होनी ही नहीं चाहिए तुम्हें। तो तुम्हारे सबसे प्रायोरिटी तुम्हारे पास तो इस समय यही होना चाहिए, बच्चा ही। वैकेंसी की चिंता ना कर रहे और क्या, और अचानक से आगे पढ़ नहीं पाए तो यार, जिनकी नौकरी नहीं लगती है तो वो जिंदगी नहीं जीते हैं। तो मान लो जितने बच्चे कर रखे हैं डीएलएड या बीएड, तो क्या सबकी नौकरी लग जाएगी। तो फिर जो अभी प्रेजेंट जीना सीख जाओ, प्रेजेंट जियो, वर्तमान जीना सीखो, फ्यूचर के लिए तैयारी की जाती है, ना कि फ्यूचर के चक्कर में आज अपना वर्तमान भी खराब कर लिया जाता है। पहले आज हेल्थ देखो जो सामने है, पहले उससे निपटो। पढ़ाई कर सकती हो तो थोड़ा बहुत पढ़ती रहो डेली, अगर नहीं कर सकती हो तो पहले हेल्थ जरूरी है, फिर अपना पढ़ना बाद में ठीक है। दोपहर के टाइम में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और अभी शाम के टाइम पे ये हमारे लिए अनार का जूस निकाल रहे हैं इतना ज़्यादा समझाने के बाद। पता है कभी कभी इंसान बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करने लगता है, और वही हाल आजकल मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और अकेलापन है एक तो, ऊपर से ऐसा लगता है कि अब लाइफ में आगे क्या ही करूं, कुछ समझ नहीं आता है, जब तो इंसान को ऐसे ही हो जाता है। आज मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, कुछ खास खाने का मन नहीं था, जूस पीने के बाद ऐसे ही पेट भर जाता है पूरा, अच्छे से हैवी हो जाता है अनार का जूस, तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी इडली बना देते हैं, ये हमारा डिनर हो जाएगा। और इतनी देर इनके समझाने के बाद अभी थोड़ा दिमाग मेरा शांत हुआ है कि अच्छा चलो ठीक है, लाइफ में जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारा कोई बस नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे मैंने अपना एक ग्लास जूस पी लिया है, बाकी जो बचता है एक्स्ट्रा वाला वो मैं इनको दे देती हूँ। वीकनेस भी बहुत लग रही थी आज, सब दिमाग का खेल होता है, टेंशन की वजह से आज मेरी हालत ऐसी हुई थी। तो कभी कभी ना ऐसे दिन ही हो जाता है कि पूरा दिन बेकार चला जाता है, आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही बेकार गया सोच सोच के। और जब मुझे कोई चीज़ की टेंशन होती है तो मैं कुछ नहीं करती, बस सोने लगती हूँ या फिर ऐसे ही लाइट बंद करके अंधेरे में लेट जाती हूँ। जब मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे आगे चल के करना क्या है, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, ना मुझे फ़ोन चलाने का मन करेगा, ना रील्स देखने का मन करेगा, ना फिर वीडियो बनाने का मन करेगा। बट मैं सोचती हूँ चलो ठीक है वीडियो बना लेते हैं, इसके बहाने जो आप लोग के प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट आते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कभी कभार। तो ऐसा लगता ना कि लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, स्टॉप हो चुकी हूँ, बट अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, तो थोड़ी अलग ही फीलिंग आती है। बाकी अभी मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही, आप लोगों को पता है,
प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 3 महीने अभी हैं, तो सेवेंथ तो मेरा कंप्लीट होने, हाँ सेवेंथ तो हो गया। अब बस ये देखना है आगे चल के कि डॉक्टर ने 13 तारीख को अल्ट्रासाउंड करने को कहा है, तो देखिए क्या रिपोर्ट आती है, क्या होता है, पानी वानी की कमी ना हो इसके लिए मुझे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। तो चलिए अब मैं इडली खा के फिर चलती हूँ नीचे वॉक करने। सो गाइस खाना खा के अब हम लोग आ गए हैं वॉक करने, और खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही पैर दर्द हो रहा हो पर वॉक ज़रूर करिएगा। तो 15 या 20 मिनट की वॉक करूँगी मैं, डॉक्टर ने बोला है कि वॉक करते रहना चाहे जितनी दिक्कत हो। मैंने कहा है ठीक है, तो पैरों में स्वेलिंग भी हो जाती है, कोई बात नहीं, गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर से सेकाई करूँगी, शायद उससे सही हो जाएगा। बाकी वॉक कर लेते हैं 15-20 मिनट। आज कॉलोनी की सभी लेडीज़ें चली गई थी टहल टहल के, क्योंकि आज मैं बहुत ही लेट उतरी हूँ ऊपर से, वरना हमारे यहाँ अगर 9 से 10 बजे के बीच में निकलो तो सभी के साथ अच्छी खासी बातचीत और पंचायत हो जाती है, आज ऐसा कुछ नहीं था। खैर अब इस वीडियो को करते हो यहीं पे एंड, मिलूँगी आपसे कल। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।